दोस्तों जब कोई अपना बियर्ड ग्रो कर लेता है और उसकी फुल दाढ़ी आ जाती है, तो दोस्तों जब वो सैलून पे जाता है और बियर्ड सेट कराने के बाद उसे अलग से जो खुशी मिलती है ना दोस्तों, वो सबसे अलग होती है। जैसे कि मेरे साथ हुआ दोस्तों, इसके पहले मैं एक बार और सेट कराया था एल स्टाइल में, ठीक है। तो आज ये मेरा दूसरा बार है मैंने अपने बियर्ड को जो है आज सेट करा लिया है। अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, उसमें क्लीन आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, मैंने ये दाढ़ी मिनोक्स डील से उगाई थी और मिनोक्स डील से बहुत लोगों ने अफवाह फैला लिया है, मिनोक्स डील छोड़ने के बाद आपके बियर्ड जो है झड़ जाते हैं, मतलब बियर्ड रिसीडिंग होने लगती है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं, 100% दोस्तों गलत है, ठीक है। मैं मानता हूँ हेयर रिसीडिंग हो जाते हैं, बट दोस्तों छोड़ने का तरीका भी होना चाहिए ना। एक अचानक में सब बियर्ड जो है कि मिनोक्स डील लगाना छोड़ देते हैं, तो उससे थोड़ा तो मतलब इफेक्ट पड़ेगा आपके बियर्ड के ऊपर। दोस्तों अगर आप कहेंगे तो मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बता दूंगा, मतलब बना दूंगा, बियर्ड जब मिनोक्स डील हम लोग छोड़ते हैं तो क्या सच में बियर्ड निकल जाती है या झड़ जाती है, मैं इसके ऊपर से अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग ज़्यादातर कमेंट करते हैं तो मैं इसका असलियत आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। अगर बियर्ड झड़ना रहता दोस्तों, मेरा बियर्ड देखिए अब तक कब का झड़ गया होता। मैंने 2 बार शेविंग सॉरी सेट कराया है और 4-5 बार मैंने शेविंग कराया पूरी क्लीन तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ मैंने किस तरीके से अपने बियर्ड को जो है सेट कराया है। तो दोस्तों चैनल पर पहली बार हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो मेरे दोस्त आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने फुल तरीके से आपको दिखाया है, घनी दाढ़ी आ चुकी है और यहाँ पर मैंने एल डिज़ाइन में अपने बियर्ड को सेव कराया है। अगर आपके बियर्ड मिनोक्स डील से आते हैं तो दोस्तों आपको एक बात ज़रूर ध्यान में रखना है, आप कभी आपको शेविंग नहीं कराना है जब तक आपके बेबी हेयर्स टर्मिनल नहीं हो जाते हैं। अगर आप शेविंग करा देते हैं दोस्तों, तो हो सकता है आपके बाल जो है दाढ़ी वाले वो कभी शायद वापस आए ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है, बहुत से लोगों के बाल वापस नहीं आते हैं। मैंने दोस्तों सेव नहीं कराया था, मैं कुछ दिनों के बाद सेव कराया ताकि मेरे बियर्ड टर्मिनल हो जाए, फिर मैं सेव कराऊंगा। अगर मैं सेव नहीं कराता तो दोस्तों हमेशा मेरे को टेंशन बनी रहती, इसलिए मैंने 2-3 बार सेव करा चुका है और फिर भी मेरे बाल वापस आ जाते हैं। दोस्तों आप अपना मिनोक्स डील जर्नी थोड़ा केयरफुली से चलाइए और हाँ, उम्मीद करता हूँ आपको फुल दाढ़ी आ जाएगी।